क्या आपको निकल जाने से कमजोरी आती है? तो उसके लिए मैं खास आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते रहते हैं, उनका कहना ऐसा है कि उनका अपव्यय निकल जाता है, धातु सपने में निकल जाता है, या हाथ से निकालते हैं, मतलब हस्तमैथुन करते हैं, या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, या पेशाब के साथ में जाता है, या सेक्स के साथ, मतलब सेक्स करने के समय निकल जाता है। मगर उनका कहना ऐसा है कि ये निकल जाने के बाद में उनको एकदम ही थकान आती है और उनको बहुत ही कमजोरी लगती है, थकान आती है और ऐसा लगता है कि बस अभी बहुत बीमार हो गए। तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम, POIS, पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम। और ये कुछ लोगों को होता है। अब इसका कारण क्या है हम देखेंगे, मगर कुछ लोगों को ये होता है डेफिनेटली। कल ही मेरे पास में एक लड़के का फ़ोन आया था, बिहार का था, और उसने मुझे ये बताया कि भाई करीब करीब मैं 28 साल का लड़का हूँ, सपने में जाता है, गर्लफ्रेंड के साथ में जाता है, और जाने के बाद में तुरंत इतनी कमजोरी आती है कि बस ऐसा लगता है कि बस अपन अभी कुछ काम के नहीं रहे और प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। तो ये जो है ये पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम है। इसके क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब इसमें होता क्या है क्या, हम देखेंगे। नंबर एक, इसमें थकान, कमजोरी, ऐसा बुखार जैसा लगना, पसीना आना, मूड चेंज हो जाना, निराशा या चिड़चिड़ापन, फिर भुलक्कड़पना होना, नाक बंद होना, आंखें लाल होना, इस तरह का, मतलब इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो एकदम कमजोरी आती, थकान, बस पूरा निकल गया जैसा जूस, ऐसा लगता है उसको। फिर नंबर एक हो गया, मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर दो क्या है कि ये कुछ, मतलब वीर्यपात होने के कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटे में चालू हो जाता है। नंबर तीन, करीब करीब 10 में से 9 बार ऐसा होता है, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स, 90 बार, मतलब 10 में से 9, 100 में से 90 बार कि भाई इजैकुलेशन हो गया, धातु निकल गया और कमजोरी आ गई, ये ऐसा होता है। नंबर चार, ये 2 से 4 दिन तक टिकता है। और नंबर पाँच, ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो सकता है। और जिनका ऑटोमेटिक ख़त्म होता नहीं है, उनके लिए फिर दवाई और काउंसलिंग करना जरूरी है। अब ये होने के बहुत कुछ कारण है, उसमें का एक कारण ये गलतफहमियाँ कि भाई वीर्य जो है ये बहुत बहुमूल्य है, ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्यनाश यही मृत्यु है, ये दिमाग में इतना फिट किया गया है आयुर्वेदा में कि बस लोग तो वीर्य जाने के बाद में एकदम ऐसा लगता है कि अपने को तो बीमारी हो गए, मतलब ऐसा उनको लगता है। एक बूंद वीर्य का 80 बूंद खून के बराबरी का होता है, तो समझो 2 से 5 ml वीर्य गया तो कितना सारा खून चले गया, मतलब ऐसा उनको लगता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो गलतफहमी, ये सबसे बड़ा कारण है। फिर नंबर दो, लोगों को लगता है कि ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया और अपने में से निकल गया, वेस्ट हो गया तो मैंने कुछ तो भी गलती किया, इसको वेस्ट करा दिया। क्योंकि ये लोगों को पूछा कि भाई शादी के बाद में नहीं करोगे क्या सेक्स, बोलते हाँ करेंगे। उसमें नहीं जाएंगा कि फिर हाँ जाएंगा, फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बोलते नहीं वो तो औरत के पेट में जाएंगा ना। फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा औरत के पेट में जाएंगे वो क्या जमा होता है क्या वहाँ, तो आप रोज करेंगे तो ये तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, बोलते नहीं नहीं वो तो पता नहीं क्या है, तो मतलब भाई वो भी बाहर निकल जाता है, बोले हाँ निकलता होगा। मतलब गलतफहमियाँ जो है उसके वजह से होते रहता है। फिर कुछ लोगों की गलतफहमियाँ ऐसी है कि वीर्य का साठा जो है वो, मतलब स्टोर, यदि अपने बदन में करते रहते हैं तो ये जाता है दिमाग में और दिमाग को ऊर्जा देता है, इसलिए हम ऊर्जावान बनते हैं, ये भी गलतफहमी है। तो वीर्य जाने से कुछ होता नहीं है। वीर्य पेशाब के साथ में जाओ, मतलब सफ़ेद रंग की पेशाब हो जाए, हाथ से निकालो, चिपचिपा पानी के साथ में वीर्य जाएगा, सपने में जाएगा, सेक्स करने के समय जाएगा। वीर्य कैसा भी जा सकता है और कैसा भी गया, कोई भी समय पर गया, तभी उससे कुछ नुकसान होता नहीं है। मगर समझो ये पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम POIS हो गया तो क्या, तो उसके लिए हम काउंसलिंग करते और SSRI जो दवाइयाँ हैं, SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर वो देते हैं, मोडाफिनिल मैं देता हूँ, और कुछ उनको समाधान के लिए टॉनिक्स वगैरह दिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि बहुत भारी भारी गोली दिया टॉनिक की, विटामिन की, और जैसा बी कॉम्प्लेक्स पूरी B1, B6, B12 वो दे दिया, या मल्टी विटामिन दे दिया, फिर कॉड लीवर एक एक्सट्रैक्ट, एल अर्जिनिन वाली गोली दिया, तो उनको लगता है कि हाँ अभी जरा डॉक्टर साहब ने अच्छा दिया है। मतलब वो मेनली साइकोलॉजिकली है।
ये करते हैं तो ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग बहुत अच्छा है और वैसे इसको मतलब कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मगर होता है तो लोगों को लगता है यार मैं तो काम से गया, और फिर वो अवॉइड करना चालू कर देते हैं, मतलब सेक्स अवॉइड करना, और सेक्स अवॉइड कर दिया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी के बाद में ये सेक्स अवॉइड करेंगे और इनको ये POIS हो गया तो झंझट झगड़े का ही कार्यक्रम है। तो इसलिए इसका इलाज करना जरूरी है, इलाज करने से ये ठीक हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।